राधे माँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट, आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। विवादों में घिरी रहने वाली राधे माँ ने अब तक का सबसे बिंदास इंटरव्यू इंडिया टीवी को दिया है। राधे माँ ने इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हर सवाल के जवाब दिए, नाच गाने से लेकर छोटे कपड़ों तक पर सफाई दी। राधे माँ ने कहा कि उन्हें किसी की परवाह नहीं और नाच गाना उनको भगवान के करीब लेकर जाता है। राधे माँ ने पहली बार अपनी निजी जिंदगी के बारे में भी बताया, साथ ही इसका भी खुलासा किया कि आखिर किसने उनके साथ गद्दारी की। फिलहाल हमारे देश में कुछ बाबाओं के नाकर्म कारणों के कारण पूरे साधु महात्माओं के ऊपर सवाल उठने लगा है। कुछ बाबा विवादों में चल रहे हैं तो कुछ लोगों ने अपनी जिंदगी को रहस्यमयी बना दिया है। ऐसी ही एक रहस्यमयी माँ आज हमारे साथ है, वो है राधे माँ। आपने अपनी जिंदगी को इतना रहस्यमय क्यों बना दिया है? हाँ, मैंने रहस्यमय नहीं बनाया, एक्चुअली मेरी जो लाइफ है वो खुली किताब है। मैंने कोई अपनी पर्सनल गुफा नहीं बनाई, कोई पर्सनल शयन कक्ष नहीं बनाया। मैं जिस गुफा में दर्शन देती हूँ उसी गुफा में सोती हूँ। ऑल ऑफ द वर्ल्ड जितने भी मेरे फॉलोवर्स हैं वो सब जानते हैं जिस गुफा में राधे माँ दर्शन देती है उसी गुफा में राधे माँ आराम भी करती हैं। कभी आप मिनी ड्रेस में दिखाई देती है, कभी आपको लोग अपने हाथों में झुलाते हैं। ओ, जैसे श्रवण हुआ, उसने अपने मामा पापा को कैसे तीर्थ कराए थे, तो ये मेरे भक्तों की सोच है कि उनको लगता है कि हम देवी माँ को गोदी में झुलाएंगे तो हमारे मिरेकल होंगे, वो उनकी सोच है। लेकिन मिनी ड्रेस पहनना, और कभी आप जीन्स में दिखाई देती है। मैं पब्लिकली नहीं पहनती मिनी ड्रेस, मैंने अपने रूम में पहनी थी। मिनी ड्रेस मैं पहनती हूँ, मैं हर तरह के, किस ग्रंथ में लिखा है कि हम छोटे कपड़े पहन के भगवान को नहीं पा सकते। मिनी ड्रेस देखो, मैंने कभी भी पब्लिकली मेरे किसी भी प्रोग्राम में, इवेंट में मैंने पहनी है मिनी ड्रेस। मैंने अपने एक होटल के रूम में पहनी थी। वैसे मैं मिनी ड्रेस पहन के मैं सोती हूँ। अगर कोई अपना ही बेवफाई कर जाए तो इसमें मेरा क्या कसूर? कोई फोटो चोरी चोरी खींच ले तो इसमें, मैं मिनी ड्रेस पहनती हूँ, सोती हूँ पहन के, मुझे नहीं नींद आती पूरे कपड़े पहन के। मैं शॉर्ट गाउन पहनती हूँ, मिनी ड्रेस पहनती हूँ। आप देखो, जैसे अब तुम अपने इस टाइम तुम अपनी वो हो, अपने प्रोफेशन पे हो, इस टाइम तुमने पूरे ड्रेस पहने हैं, और जब घर जाओगी तो क्या तुम यही ड्रेस में सो पाओगी? नहीं सो पाओगी। अपने रूम, अपने बेडरूम में तुम कैसे रहोगी? तो अपने बेडरूम में तो बंदा छोटे कपड़े पहन के सो, तो अब कोई अपना ही गद्दारी कर जाए, अपना ही बेवफा हो जाए, इसमें अपना क्या कसूर है? लेकिन क्या आपको नाचना गाना पसंद है? हाँ, क्योंकि मैंने नाच के ही भगवान को मनाया है। मेरे नाचने से मेरे भगवान प्रसन्न होते, मेरा भगवान जिसमें प्रसन्न हो गए मैं करूंगी। आप है कौन? क्या देवी माँ है या कोई सामान्य गृहिणी है या कोई आप चमत्कारिक साध्वी है? नहीं, मैं हाउसवाइफ थी कभी, आज से 25 साल पहले। मैं ना तो साधु हूँ, ना तो संत हूँ, ना गुरु हूँ। मैं गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी मैं गृहस्थ में नहीं हूँ। मैं आज से 25 साल पहले मेरा शादी हो गई थी, मेरी 17 साल की एज में। तो हमारी, मेरे पापा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में SDC थे, तो उनके अंडर 84 हल्के उनके अंडर थे, ऑफिसर थे वो, उनकी मैं बेटी हूँ। तो वो जब मीडिया ट्रायल चला तो वो 67 ईयर की एज में वो टीवी देखते देखते मर गए। उनको इतना दुख हुआ। हर बाप तो देखो, कोई भी अपनी बेटी को इतने सदमे में बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उनको बड़ा दुख था, वो कहते थे कि हमारे पास आ जाओ, तो वो देखते देखते एक्सपायर हो गए। वो मेरी जो छोटी बहू है मनीषा, मनीषा वेयर इज मनीषा, तो छोटी बहू मनीषा है जो,
उसके पापा 55 ईयर के थे, वो भी छोटी एज में ही है। तो जब वो भी ये जो मीडिया ट्रायल देख रहे थे, जो भी जिन्होंने जिसने मेरे पे किसी लेडी ने मेरे पे लांछन लगाए, जब जो कि नहीं सहन करने के लायक थे, जिस चीज़ के लिए मैंने सोचा भी नहीं था, ये मैं जानती हूँ या ईश्वर जानता है कि सच्चाई क्या है, कि मैं क्या करना चाहती थी, मैं भक्तों को कैसे वे में सीधा करना चाहती थी, मैं किसी को भी किस वे में कैसे ठीक करना चाहती थी। क्योंकि माँ तो यही चाहेगी कि बच्चे को कैसे भी वे में, ये मेरी छोटी बहू है, इसके पापा एक दिन ऐसे ही जो घर में पहनते हैं छोटा शॉर्ट्स और टी शर्ट पहन के ऐसे लेट के टीवी देख रहे थे, उनको बहुत घबराहट थी कि कहीं देवी माँ मर ना जाए, तो रोज़ टीवी वॉच करते थे, तो उनको देखते देखते हार्ट अटैक हुआ और वो भी मर गए। तो आपके पिताजी का भी ऐसे ही निधन हुआ था? दोनों को ऐसे ही मीडिया का देखते देखते हुआ। तो पर ये जो मनीषा मेरी बच्ची है, मेरे बेटे की वाइफ है, इतनी अच्छी है। मैं टेरेस पे थी जब पता लगा मनीषा के पापा मर गए हैं, तो जब ऊपर आई मैं बहुत रोई कि मनीषा क्या सोचेगी कि मेरी माँ कितनी अनलकी है जिनके कारण मेरे पापा नहीं रहे। पर इसने इतने जोर से मुझे गले लगाया, कहती मैं माता रानी नहीं हूँ, पर उसकी भावना, मैं तो राधे माँ हूँ। कहती माता रानी, पापा तो चले गए, लेकिन अगर आप चले गए तो हम कैसे जिएंगे, हमें आप सबसे बढ़कर हो। मुझे इसने इतने जोर से गले लगाया, लेट गई जमीन पे, उस पे टेरेस पे मेरे साथ ही लेट गई, इतनी जोर जोर से मेरे हग किए, मेरी किसी की मेरे बालों को ऐसे ऐसे किया। कहती इस टाइम आप मेरी बच्ची हो, मुझे इतने लाड किए जब तक मैं चुप नहीं करी। कहती टेंशन इसको अंदर से पूरा था, मुझे नहीं पता था कि इसको पूरा टेंशन है, मुझे मेघा ने बताया, बड़ी बहू ने दूसरे उस दिन ने मुझे कुछ भी बताया, मुझे दवाई दे के सुला दिया। दूसरे दिन बताया कि मनीषा दरवाज़ा बंद करके मेरे गले लग के बहुत जोर जोर से रोई और बड़ी बात दुआएं दी कि मीडिया को हमारे पास भी आना चाहिए थे, एक बार हमारी फीलिंग भी सुनते कि हमारे दिल में क्या है, क्या ये सच है जो हो रहा है। आपने कभी नहीं सोचा कि आपके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं, उसको कभी आप खंडन करें, कभी बताएं कि सच्चाई क्या है? नहीं, मेरा मन नहीं था। अब नेचुरल, मैं नेचर पे चलती हूँ, जो नेचर करे, जो मेरे बाबा नानक करे, मेरे पिता परमेश्वर, जो शिव शंकर भगवान करें, जो माता रानी करे, जो मेरे गुरु महाराज करे, पर नेचुरल कोर्स में मीडिया आया तो मेरे से रहा नहीं गया, तो मेरे से बोला गया, मैं बोलना नहीं चाहती, फिर भी मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ, पर अपने आप को क्लियर करना तो फर्ज है, फिर भी मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ। एनी बैड एक्सपीरियंस इज द लर्निंग पॉइंट, मुझे मेरे से कुछ ले के नहीं गए, मुझे सिखा गए बहुत कुछ। राधे माँ, कब आपको लगा कि आप में जो है दिव्य आत्मा है, आप में चमत्कारिक शक्तियाँ हैं? हाँ, वो शक्तियाँ किसी में भी आ सकती हैं, मेरे में नहीं। जो अच्छे कर्म करते हैं, जो किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, किसी को बुरा नहीं कहते, जब मेरे पापा, जब मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के फौरन चले गए, उनकी भी मजबूरी थी, फैमिली में क्राइसिस आए, तो जब चले गए तो मैं बचपन से मैं भगवान के नाम से रंगी हुई थी, क्योंकि मम्मा मेरी मर गई थी, तो हस्बैंड फौरन चले गए। मम्मा मरने के बाद तो सबको पता ही है कि बंदा अकेला पड़ जाता है, तो उसको फिर माँ की ही याद आती है, तो उसके कारण मैं ज़्यादा जपजी साहब का पाठ करना, अमृत वेले उठना, अमृत वेला सचना वड़ियाई विचार, तो उसके बारे में सोचना हर समय, तो करते करते अंदर से मैं जो कुछ बोलती थी, हमारे गाँव का सरपंच इस बात को बता सकता है, तो बोलती थी तो कई बार कई बातें सच्ची हो जाती थी। ऐसा नहीं कि मेरी, किसी की भी बात सच्ची हो सकती है जो प्योर रहते हैं, प्योर सोल, अच्छी सोल। तो फिर जब मेरी शादी हुई तो हस्बैंड चले गए, तो आप भी एक नारी हैं, एक लड़की हैं, तो आप सोच सकती हो कि पहले 4 साल शादी की लाइफ में रहना, फिर उसके बाद अकेले पड़ना, कितना फ्रस्ट्रेशन आता है। क्योंकि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो, प्रेम जो है एक बार करना, फिर उसके बाद उसे जुदा रहना कितना मुश्किल है। फिर और भी ज़्यादा भगवान के रंग में रंग गई, तो फिर मेरे पापा मुझे 2-3 जगह पर लेके गए साधु संतों के पास,
वहाँ मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। फिर मेरे मन में था कि मुझे कोई ऐसे बुजुर्ग संत मिले जिनका मुझे संग मिले। तो फिर मेरे पापा ने, उनके दोस्त थे कोई, वो भी ऑफिसर थे, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे आपके शहर में एक सिद्ध योगी रहते हैं, उनके पास लेके जाओ। मेरा बचपन का नाम बब्बू था, पर मेरे पापा मुझे प्रेम से गुड़िया कहते थे। उन्होंने गुड़िया क्या कह दिया, मुझे लगने लग गया मैं स्पेशल एक गुड़िया हूँ। तो मुझे लेके गए, तो जब मैं गई तो मेरे बाल इतने लंबे लंबे थे और मैं ज़्यादा लाल कलर पसंद करती थी। तो जब मैं गई, मैं फ्रॉक रेड कलर की इतनी पहनी हुई थी, पजामी पहनी हुई थी, लेगिंग। तो उन्होंने कहा, अरे ये तो चंडी है, ये तो साक्षात हैं, कुछ उन्होंने बोला, आई डोंट नो, दिल से बोला कि या कैसे बोला, तो मैंने सच मान लिया। फिर उन्होंने कहा कि इनके अंदर एक गर्माहट है, एक जोश है, इनके अंदर ताकत है, इनके अंदर एनर्जी है बड़ी, इनको भगवान से तड़प है।